वेलकम बैक टू माय चैनल। केजीएफ चैप्टर 2 साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है जिसे दर्शक देखना चाहते हैं। इस समय केजीएफ चैप्टर 2 सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रही है। लॉकडाउन के चलते भी मेकर्स इस फिल्म पर काम कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और इस समय मेकर्स इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की एडिटिंग पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशांत ने इस फिल्म से कई एक्शन सीन को कट किया है जो उन्हें अच्छे नहीं लगे। खबर है कि इस फिल्म में केजे चैप्टर 1 की तुलना में कई सारे एक्शन सीन हैं, जिस कारण फिल्म काफी लंबी हो सकती है। इसलिए प्रशांत ने खुद ओवरडोज एक्शन सीन्स को एडिट कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर इस फिल्म में इमोशन और एक्शन का बराबर बैलेंस डालना चाहते हैं। इसके अलावा अगली खबर की बात करें तो अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स 120 करोड़ में खरीद लिए हैं, लेकिन OTT ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस फिल्म को खरीदने के लिए करोड़ों का ऑफर दे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते थिएटर बंद है और OTT प्लेटफॉर्म कंपनियां चाहती हैं कि वह इस फिल्म को ऑनलाइन रिलीज कर सके। लेकिन एक्टर यश के एक दोस्त ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके फैंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिल्म पहले सिनेमा घरों में रिलीज होगी, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। अगर सिनेमाघरें खुलने में भी महीने भी लगते हैं तब भी हमें कोई जल्दी नहीं है। हम अपने फैंस को बड़े पर्दे का अनुभव देने के लिए इंतजार करेंगे, यानी इससे ये कंफर्म होता है कि ये फिल्म थिएटर में ही रिलीज होगी। अगर फिल्म के टीजर की बात करें तो मेकर्स ने पहले ही बता दिया है कि वह इस फिल्म का अभी कोई भी टीजर रिलीज नहीं करने वाले हैं। फिल्म रिलीज के एक महीने पहले ही वह फिल्म का ट्रेलर रिलीज करेंगे, जो काफी होगा। गाइज, आपको बता दें कि ये फिल्म की डेट रिलीज डेट जो बताई जा रही है वो है 23 अक्टूबर है, और हो सकता है कि आगे भी बढ़ा दिया जाए। आपको बता दें इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है और वो ये फिल्म यंग टाइगर NTR के साथ करने वाले हैं, जो एक बहुत बड़ी पैन इंडिया फिल्म होगी। देखते हैं इससे आगे क्या अपडेट आती है। वेल, what do you think about this video? Do share your thoughts in the comment section below and for more good content, keep watching Know About All. वैसे मोर अपडेट्स के लिए आप हमें Instagram और Facebook पर फॉलो करना ना भूलें, वहाँ आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। थैंक यू।